ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸੰਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਕਰਸ਼ ਆਣ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਤਕਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੂੰ ਕਿਡਸ ਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਡਸ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੂ ਪਾਰਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਿੱਕੂ ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਨੀ ਗਈ ਕਦੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਕੂ ਪਾਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਉਤਕਰਸ਼ ਕੋ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਇਸ ਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ तो चलो हम निकल चुके हैं पिक करके और हम कहाँ पहुँच गए हैं सो गाइस निक्कू पार्क अभी बंद है अभी खुला नहीं है आधे घंटे तक कब वो खुलेगा तब तक हम सोच रहे हैं कि बर्गर बॉय जाके आए कभी खाया नहीं मैंने बर्गर बॉय का बर्गर किंग का ही मेरा फेवरेट है तो आज हम ट्राई करेंगे तरीफ हमने सुनी है मामू भी कह रहे थे ट्राई करना क्योंकि वो खा के आए थे तो कहते हैं बहुत ही टेस्टी है तो देखते हैं बर्गर So, हमने बर्गर मंगा लिया है वेज बर्गर तो देखते हैं ट्राई करके टेस्ट करके कैसा है व्यू ना मैं उसका बाहर जाके देती हूँ आपको बर्गर खा के रिव्यू आपको देंगे बाद में लास्ट में दूंगी क्योंकि थोड़ा ना अलग सा ही है तो मैं आपको बाद में दूंगी तो ये रहा निक्कू पार्क अभी हम टिकट्स लेंगे और अभी बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही खुला है तो बहुत बड़ी लाइन है वो देखते हैं ये रहा निक्कू पार्क लाइन्स बहुत लंबी है अभी बहुत ज़्यादा रश हो गया खुलते ही गाइस अभी जस्ट ओपन हुआ है हमारे दोनों लड्डू तो गाइज हाफ एन आवर मुझे लग गया टिकट्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी अभी क्योंकि जस्ट ओपन हुआ है मुझे मतलब इतनी गर्मी लग रही थी ना वहाँ खड़े खड़े तो फाइनली मिल गई है हम अंदर एंटर कर गए हैं चलो हम चलते गाइस बहुत खुश है अभी तो स्टार्ट हो गया फिर मजा आएगा हम नहीं ले सकते वाली नौ साल तक ही ले सकता है उत्कर्ष जिद कर रहा है कि मैंने भी जाना है बट छोटे बच्चे अलाउड नहीं हैं और उत्कर्ष रो रहा है भैया को टाटा कर दो उत्कर्ष हमने भी कहा था कि हम ले लें बट मेरा लड्डू गाइस हम राइड्स लेके थक चुके हैं बुरा हाल हो गया है आराम से बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स और पानी पी रहे हैं थक गई हुई है राइड लेके देखना
तो आराम करते हैं, फिर राइड्स लेते हैं दोबारा, और दोबारा थोड़ा सा कुछ खा पी भी लेते हैं। तो चलो पहला कुछ खा पी लेते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर दोबारा लेते हैं। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये है हाउस, ये देखो दिख रहे हैं आपको, एक्चुअली धूप बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा है, ये देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। उत्कर्ष आकर्ष एंजॉय कर रहे हो? यस यस, मजा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी चल ही नहीं, आराम से चिल मारो। क्या हुआ कर, क्या हुआ आपके साथ, कांड हो गया है? क्या हुआ? हाथ पे ज्यादा गिर, सॉरी सॉफ्टी हाथ पे गिर गई बेचारे की, सो सैड। उत्कर्ष भी गंद डाल रहे हैं, देखो भी उत्कर्ष भी देख के नहीं, ज्यादा खत्म हो गया। गाइस निको पार्क में डक्स भी है, कितनी अच्छी है, हैं क्या वो? मम्मी और शादी लेने लगी, अभी झूला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला झूला, झूले पे बस अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, वो देखो ये दोनों। हाथ पर डर रहे हैं, डर रहे हैं थोड़ा सा। मम्मी ने अब कोई दूसरे पे इतनी बैठने लगी, हाँ वो ग्रीन वाले पे बैठने आ गए। चिरा दीदी वीडियो भैया चक्कर आवाज के, वो वीडियो बनानी है चक्कर आवाज का पहले पसंद है। चिरा दीदी हेलो बोल दो, अभी ध्यान दान अभी हो गया शुरू, हो गया शुरू। नीतू मम्मी तेल जोना शुरू हो रहा है, तेल जोना शुरू हो रहा है, तेल हो रहा है, तेल हो रहा है। बाबा चक्कर आ गया ऊपर, रोज झूल गया पूरा, पता ही नहीं चल रहा कौन सा बंदा जा रहा है। श्रेया दीदी नीतू मम्मी यहाँ पर देखो, पता ही नहीं चल रहा है ना, खेल 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 बंदा जा रहा है। बाबा बन जोड़ के आ रहे हैं, हेलो ऐसा लड़ाई हुई ना, एडिट कर रहा है, एक बंदा आ रहा है उसके ऊपर लेके दूसरा बंदा ऐसे हो रहा है। सही एंड वाली, कोई जवाब नहीं, सिर चकरा रहा है, मेरा नहीं चकरा रहा, नीतू मम्मी का सिर चकराना शुरू हो गया। गाइस ये वाला तो बहुत एंड था, मुझे तो कुछ नहीं लगा, चक्कर आने स्टार्ट हो गए थे और अब हम लेने लगे हैं। कौन सा ट्रेजेडी हो गया, हम पिंक कार वाला जो था झूला वो हम नहीं ले सकते, अब हम लेंगे ये वाला, मैं और भाभी एक साथ बैठेंगे, और आकर्ष को डर लगता है, आकर्ष इसमें नहीं बैठेगा, बट हम दोनों मैं और भाभी बैठते हैं और आकर्ष इस ब्लॉग को शूट करेगा। कोशिश कर बेटा बैठने की, कोशिश कर, वेरी गुड। और आकर्ष पीछे हो थोड़ा बेटा, चलो जी लॉक हो गया आकर्ष, तो चलो उधर हम भी ले लेते, इधर आकर्ष ले रहा है शी, और देखो श्रेया लाइन गो। आकर्ष
पुनीत लेते नहीं है क्योंकि पुनीत को डर लगता है राइड से। बिल्कुल दूर है, पुनीत ने कभी भी नहीं ली, एक बार ही ली थी। पुनीत के बेस्ट फ्रेंड है दर्पण, तो लास्ट और फर्स्ट उन्हों के साथ ही ली, आज तक नहीं ली किसी के साथ। एक और राइड लेने लगे हैं जो है ये वाली, तो बस अभी वो बैठने लगे हैं। बस तो मम्मी और श्रेया दीदी आ रहे हैं, बैठने लगे हैं बस। ओ सॉरी नीतू मम्मी, अंदर नु कर लो पूरा, थल्ले नु कर लो, थल्ले नु कर लो पूरा। नीतू मम्मी प्रेशर हो गया, एडिट को मैं कर दूंगा आराम से, एडिट हो गया। पिंग, हां जी हां जी हां जी। तो हे गाइस, हम निक्कू पार्क से आ चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। ब्लॉग शूट करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि थक चुके थे, थक नहीं चक्कर आ रहा था राइड्स लेके बेसिकली। तो अब बाहर निकल के सबसे पहले हमने सोचा जूस पी लेते हैं कुछ ना कुछ, तो श्रेया का हाल देखना है। आकर्ष, मैंने ना जो राइड वाली थी ना गोल वाली, वो मैंने दो टाइम ली थी, पहले भाभी के साथ ली थी फिर सिंगल ली थी, तो वो ब्लॉग में देखी लोगे। तो सेकंड वाले में तब ये था कि बात से नॉर्मलाइज हो, अब चक्कर आ रहा है और फिर शांति से बैठ जा। आकर्ष कैसी फीलिंग? तो बहुत अच्छा लगा, पर थकान भी बढ़ी है, थकान भी बढ़ी है, थकान बढ़ी है। कोई बात नहीं, हम नींबू पानी पीते हैं, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपने राइड्स क्यों नहीं ली? लेते ही नहीं। क्यों नहीं लेते? अरे छोटी मोटी राइड्स हैं, सब कहेंगे कि आप सबने एंजॉय किया और पुनीत को राइड्स नहीं दी, क्या बात है। कोई बात नहीं, लोग जो मर्जी कहे। तो गाइस, मैंने आपको बताया था फर्स्ट और लास्ट इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ दर्पण के साथ ली थी, उसके बाद कभी भी नहीं ली, मेरे साथ भी नहीं ली। तो भाई मेरे से ज्यादा लकी तो दर्पण ही है। चलो कोई बात नहीं, श्रेयानंद के साथ पूरी कंपनी हुई मेरी, बहुत मजा आया। हे गाइस, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, श्रेया 10th में टर्म फर्स्ट। तो श्रेया बताएगी वो कौन बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गई है इन टर्म फर्स्ट। तो अभी वोट होने हैं, तो वोट का रिजल्ट अभी पता नहीं है, बट जो टर्म फर्स्ट थी उसमें बहुत अच्छा, उसमें ग्रो हो गई हूँ ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसकी वजह से मैं भाभी को ट्रीट दे रही हूँ। तो हम बाहर आए हैं दोनों, हम पहले घूमने के लिए थे बट हम दोनों बाहर आए हैं, तो कुछ खाने पे मैं इनको ट्रीट दे रही थी। तो हमने ली है पेस्ट्री, रेड वेलवेट मेरी फेवरेट है, तो हम खाते हैं। बहुत खुश हूँ मैं, श्रेया बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई है, तो एंजॉय करने आए हैं। पहले तो भगवान का थैंक्स किया, अब श्रेया कहते चलो पार्टी करके आते हैं, कर रहे हैं गाइस पार्टी, पहले खा लेते हैं। तो फिर आप इसको कॉन्ग्रेट्स कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, फटाफट इसको कॉन्ग्रेट्स करो, बहुत अच्छे नंबरों से। थैंक यू श्रेया। तो गाइस, हमने अपनी पेस्ट्री वगैरह खा ली है, पार्टी अपनी कर ली है और घर वालों के लिए लेके जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं हम घर, और आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर। मुझे पूछा था कि आपको बर्गर कैसा लगा, तो सच बताऊं मैं आपको, बच्चों के हिसाब से जो मतलब स्पाइसी नहीं लाइक करता उसके लिए बहुत अच्छा है, और मैं थोड़ा स्पाइसी लाइक करती हूँ इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लगा इतना, मुझे भी अच्छा लगा। तो मुझे बर्गर किंग का ही अच्छा लगता है, मुझे बर्गर बॉय का नहीं बर्गर इतना अच्छा लगा, पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप जाके एक बार आप ट्राई करना, आप खुद डिसाइड करना कि कैसा है। बाकी चलो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और जिसने जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको पहले सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। चलो बाय।